आपने नाम सुना होगा करमाबाई का, सुना कि नहीं? सुना है? क्या नाम था उसका? करमाबाई। करमाबाई थी जाट की छोरी। एक जाट जी थी। घटना है राजस्थान की। जाट की एक बेटी थी और वो जाट की बेटी, उनके जो पिताजी थे जाट जी, बड़ा भजन करते थे भगवान का, बड़ा प्रेम था भगवान के श्री चरणों में। उन्हें भोग लगाना, उन्हें स्नान कराना, उनकी पूजा करना, उनका चिंतन करना, उनका भजन करना, सारी चीजें वो बड़े प्रेम से किया करते थे। एक पल के लिए भी भगवान को विसारते नहीं थे जाट जी। अचानक जाट जी को कहीं जाना पड़ा, उनके काम से उन्हें जाना पड़ा, तो घर में अकेली उनकी बेटी बची। तो पिताजी ने कहा बेटी मैं जा रहा हूं, 4 दिन में लौटूंगा, तुम एक काम करना, हमारे जो ठाकुर जी हैं इनकी पूजा किया करना। जाट जी ने समझाया पूजा कैसे करना है, सुनो पहले स्नान कराना, फिर उन्हें कपड़े पहनाना, फिर उन्हें भोग जरूर लगाना, और सुनो उन्हें खिलाकर ही खाना। ये जाट जी ने कहा उन्हें खिलाकर ही खाना, ठीक है? जाट की बेटी पिता की बात समझ गई कि खिलाकर ही खाना है। पिताजी चले गए। अब शाम भई तो वो भगवान को अपनी तरह सुलाती है, जैसे स्वयं सोती तकिया लगाकर भगवान को सुलाती है। सवेरा हुआ तो सबसे पहले नहाती है छोरी, अभी उसकी उम्र ज्यादा से ज्यादा 7-8 साल की रही होगी। नहाती है, अच्छा नहाती है, कपड़े पहनती है और जाकर भगवान के सामने बैठ जाती है। भगवान को स्नान कराती है, भगवान को कपड़े पहनाती है और जल्दी से भगवान के लिए, अच्छा छोटी सी थी उससे कुछ बनता तो था नहीं कि वो 56 भोग बना सके, तो आज खीचड़ो बना के ले आई। अब खीचड़ा लेकर आई और ऊपर से घी डाल दिया उसने देसी, और भगवान से कहने लगी हे भगवान खाओ, हे भगवान खाओ। भगवान, पिताजी ने कहा था खिलाकर ही खाना, तो उसे ये पता नहीं था कि भगवान कैसे खाते हैं। उसे तो ये लगा जैसे हम खाते हैं वैसे भगवान खाते होंगे। देखो भक्ति सच्ची होनी चाहिए। भक्त जो होता है ना भोला होता है, भक्त चतुर नहीं होता। जिसके भीतर चतुराई आई भगवान उसके भीतर से निकल जाते हैं, और जिसके भीतर सरलता और सहजता आ गई भगवान उसके घर में अपना स्थान बना लेते हैं। अच्छा आपकी कॉलोनी में कोई चतुर लोग रहे, कोई बहुत होशियार लोग रहे तो आपको पसंद नहीं होगा इनके बीच में रहना। अरे बड़ा होशियार है, बड़ा परेशान, होशियार लोग बड़ा परेशान करते हैं अपनी होशियारी से। और कुछ लोग होते हैं भोले, सरल, सहज, आप किन के बीच में रहना चाहेंगे? अच्छा ही बताओ, आप ही सरल लोगों के बीच में रहना पसंद करेंगे कि होशियार लोगों के? चतुर, चतुर कहते ना, चतुर, बड़ा चतुर है, आप किसके बीच में रहना पसंद करेंगे, चतुर या सरल? यदि आप सरल लोगों को पसंद करते हैं तो याद रखना भगवान भी सरल भक्तों को पसंद करते हैं, उन्हें चतुर भक्त बिल्कुल पसंद नहीं है। अब तो छोटी सी छोरी ठाकुर जी को बढ़िया से बिठाती है, खीचड़े का भोग लगाती है, तो इस पर भक्त गाते हैं, थाली भर के ल्याई रे खीचड़ो, ऊपर घी की बाट की, जीमो हमारा श्याम धड़ी, जिमावे बेटी जाट की। दोनों हाथ उठा करके जरा इसका आनंद लीजिए। हरि बोल, राधे,
थाली भर के ले आए रे खिचड़ो ऊपर घी की बाट की, थाली भर के लाए खिचड़ो ऊपर घी की बाट की। जिमो हमारा श्याम धड़ी जिमावे बेटी जाट की, जिमो हमारा श्याम धड़ी जिमावे बेटी जाट की। थाली भर के लाए रे खिचड़ो ऊपर घी की बाट की, जिमो हमारा श्याम धड़ी जिमावे बेटी जाट की, जिमो हमारा श्याम धड़ी जिमावे बेटी जाट की। हमारो गाँव गयो है ना जाने कब आवे गो, गाँव हमारो गाँव गयो है ना जाने कब आवे गो। खिचड़ा लेकर आई और भगवान से कहने लगी, बाबा ने कहा था भगवान को भोग लगाकर खाना, तो हे भगवान खाओ। भगवान नहीं खाए, 10 मिनट हो गए। अच्छा, आप इसलिए नहीं खा रहे हैं कि बाबा आएंगे तो उनके हाथ से खाओगे। तो सुनो, देखो उसकी सरलता। वो कहने लगी, सुनो बाबा के भरोसे मत बैठना, आज बाबा 4 दिन के लिए गांव गए हैं, शायद तुम्हें पता नहीं है। बाबो हमारो गांव गयो है ना जाने कब आवे गो, बाबो हमारो गांव गयो है ना जाने कब आवे गो। ओके भरोसे बैठ रहो तो मुख ही रह जावे गो, ओके भरोसे बैठ रहो तो मुख ही रह जावे गो। आज जिमाऊं तने खिचड़ो, छोरी कहती है सुनो बाबा गांव गए हैं, पता नहीं कब आते हैं, आज खा लो। अच्छा, आप इसलिए नहीं खा रहे हो ना क्योंकि मैंने खिचड़ा बनाया है और मेरे पिताजी तो बड़ी आलू के पराठे बनाते थे आपके लिए, तो आपकी जीभ अच्छी हो गई है, अच्छा अच्छा खाते खाते तो आपका मन खिचड़े में कहाँ लगेगा। तो सुनो, आज खा लो, कल आपके लिए सीख कर मैं सीख लूंगी, फिर बना के खिलाऊंगी। आज जिमाऊं तने खिचड़ो, आज जिमाऊं तने खिचड़ो, काल रावड़ी छाछ की, जिमो हमारा श्याम धड़ी जिमावे बेटी जाट की, जिमो हमारा श्याम धड़ी जिमावे बेटी जाट की। थाली भर के लाए रे खिचड़ो ऊपर घी के बाट की, जिमो हमारा श्याम धड़ी जिमावे बेटी जाट के, जिमो हमारा श्याम धड़ी जिमावे बेटी जाट के। अब क्या कहती है, सुनो भोग लगा लो आज, कल मैं बढ़िया आपको क्या खिलाऊंगी, रबड़ी खिलाऊंगी कल आपको, आज खा लो। फिर भी भगवान ने नहीं खाए। अच्छा, आप इसलिए नहीं खा रहे हैं, मैंने पर्दा नहीं लगाया, तो अपना पल्लू लेकर बैठ गई और ऐसे मुंह कर लिया ताकि मैं देख, अच्छा मैं नहीं देख रही, आप खाओ ऐसे। हाँ, बार बार मंदिर में जाती, बार बार है बोलती, बार बार मंदिर में जाती, बार बार है बोलती। यदि आपने भोजन नहीं किया तो सुन लो, मैं भी भोजन ही करूंगी। पढ़ दो भूल गई सांवरियो, पढ़ दो फेर लगायो जी, पढ़ दो भूल गई सांवरियो, पढ़ दो फेर लगायो जी। धावलियो की ओट बैठ के श्याम खिचड़ो खायो जी, सांवरियो की ओट बैठ के श्याम खिचड़ो खावे जी।
भोला भाला भक्ता के मन हे हरि। भोला भाला भक्ता के मन सवलिया कैया आट की, जिमो हमारा श्याम धड़ी जिमावे बेटे जाट के। जिमो हमारा श्याम धड़ी जिमावे बेटे जाट के। थाले भर के ल्याई रखे चिड़ो ऊपर घी के बाट की, जिमो हमारा श्याम धड़ी जिमावे बेटे जाट के। पढ़ दो भूल गई सांवरियो, पढ़ दो फेर लगायो जी, धावलियो की ओट बैठ के श्याम खीचड़ो खायो जी। हाँ भक्तो, जब उसका प्रेम भगवान ने देखा और इसने जिद क्या की कि यदि आप नहीं खाओगे तो मैं भी नहीं खाऊंगी, आप नहीं खाओगे तो मैं भी नहीं खाऊंगी। जब भक्त की ये जिद देखी तो भगवान प्रकट भए और भगवान उसके हाथ से खाने लगे। चार दिन बाद जब बाबा आए, पिताजी जाट जी छोरी से कहते, छोरी तेने भोग लगायो कि ना आए। छोरी ने कहा, बाबा हमने तो इतनो खवाया भगवान को कि सारो वो ही खा जाए, हमारे लिए तो कछु छोड़े ना है, सारो तुम्हारो भगवान ही खाए। अच्छा मजाक कर रही है? मजाक ना कर रही, देख रहे हो बाबा मैं कितनी दुबली है गई, चार दिन में सारो तुम्हारो भगवान ही खा जाए। तो जाट जी बोले, अच्छा तू कैसे खिलाती है, तो चलो मैं कल खवा के दिखाती हूँ। दूसरे चौथे पांचवे दिन जब बाबा जी आए, जाट जी उनके सामने बैठ गई लेकर के खिचड़ी और बोली, खाओ भगवान रोज की तरह। भगवान नहीं आए तो भगवान से कहा, क्यों नहीं आ रहे हो? तब भगवान ने उसके कान में कहा, तू जितनी भोली है, तू जितनी सच्ची है, तेरे बाबा इतने सच्चे नहीं है, पहले उनसे बोल कि वो तेरी तरह सच्चे हो जाएं। जब छोरी ने ये कहा, सुनो बाबा भगवान कह रहे हैं कि तुम इतने सच्चे नहीं हो जितनी सच्ची मैं हूं। जब ये बात सुना जाट जी ने चरणों में गिर पड़े, प्रभु मैं सच्चा नहीं हो सकता, आप ही सच्चा बनाएंगे तो मैं सच्चा बन सकता हूँ, मेरी कहाँ ताकत, मैं तो उस बछड़े की तरह हूं जो बछड़ा गाय से जन्म लेता है तो वो बछड़ा मलमूत्र, जब भी बछड़ा जन्म लेता है ना तो वो मलमूत्र में भीगा होता है, फिर गाय क्या करती है, गाय क्या करती है, उसे चाटती है, चाट चाट के उसे बिल्कुल निर्मल कर देती है। हाँ या ना, गाय अपने बछड़े को चाटती है ना, चाट चाट के निर्मल कर देती है। अच्छा बछड़ा अपने आप को निर्मल नहीं कर सकता, उसे गाय निर्मल करती है। उसी प्रकार प्रभु मैं अपने आप को निर्मल नहीं कर सकता, आपकी कृपा होए तो मैं निर्मल हो जाऊं, नहीं मुझ में कहां ताकत है कि मैं अपने आप को निर्मल कर सकूं। तब भगवान ने जाट जी की सरलता और सहजता पर भगवान रीझ गए और भगवान ने दोनों पिता पुत्री को दर्शन देकर दोनों को कृतार्थ किया। वही जाट की बेटी आखिरी समय जब बूढ़ी हो गई तो पैदल राजस्थान से जगन्नाथपुरी चली गई और वही जाट की बेटी जगन्नाथ मंदिर के पास एक घास की कुटिया बनाती है और रहने लगती है और भगवान को रोज खिचड़ी खवाती है भगवान को। हाँ कि भक्ति हो तो कर्मा जैसी, सांवरियो घर आवे गो, भक्ति भाव से पूरन होकर हरख हरख गुण गावे गो। साचो प्रेम प्रभु से हो तो, साचो प्रेम प्रभु से हो तो, मूरत बोले काठ की, जीमो हमारा श्याम धड़ी जिमावे बेटी जा।
बेटी जाट की अब वो जगन्नाथपुरी में रहने लगी और नित्य रोज भगवान जगन्नाथ जी को बुलाती। जैसी खिचड़ी बने तो जगन्नाथ आइए, जगन्नाथ आइए, मेरी खिचड़ी का भोग लगा जाइए। हे जगन्नाथ जी आइए, मेरी खिचड़ी का भोग लगाइए। जगन्नाथ जी आते और गोद में बैठकर खिचड़ी का भोग लगाते। नियम बन गया, अब तो कर्मा बहुत बुढ़ी हो गई। जब बूढ़ी हो गई तो जल्दी उठ ना पाई, कभी लेट उठी तो वो पहले बिना नहाए खिचड़ी चढ़ा दे, चावल दाल डाल दे और भगवान, कई बार तो बिना नहाए भगवान को बुलाने लग जाए। जगन्नाथ आइए, जगन्नाथ आइए, मेरी खिचड़ी का भोग लगा जाइए। भगवान आते और खिचड़ी का भोग लगाते। एक बार एकादशी के दिन भी खिचड़ी का भोग कर्मा ने लगाया। अच्छा, इसका नाम कर्मा क्यों पड़ा? भगवान द्वार पर खड़े होकर कहा करते, जल्दी कर्मा, मैं लेट हो रहा हूं, पुजारी जी आ जाएंगे और मुझे 2 बजे खाने को देंगे, एक तू है जो सवेरे खिला देती है मुझे, जल्दी कर्मा, जल्दी कर्मा, जल्दी कर्मा, जल्दी कर्मा। भगवान कहते थे, उसका नाम ही पड़ गया कर्मा, कर्माबाई, कर्माबाई नाम पड़ गया। तो कर्माबाई एक दिन जगन्नाथ जी को एकादशी के दिन चावल खिला देती है। हाँ, चावल जब खिलाई तो पुजारी, अच्छा, भगवान को गोद में बिठाकर कर्माबाई खिला रही थी, तब तक पुजारी जी ने मंदिर खोल दिया, ताली बजाई, भगवान भागे कि यदि मैं यहां रहूंगा तो पकड़ा जाऊंगा, खाली लोग कहेंगे भगवान चोरी हो गए, जगन्नाथ जी गए। अच्छा, रोज के कर्माबाई खिलाकर मुंह पहुंचती थी, आज मुंह पहुंचना भूल गई, तो चावल का एक दाना जगन्नाथ जी के यहाँ पर लगा रहा। पुजारी जी ने देखा कि इनके मुंह पे दाना लगा है, चावल का आज तो एकादशी है, चावल तो बनेगा नहीं, तो चावल किसने खिलाया? पुजारी जी ने देखा तो गर्म था। अब पुजारी जी बोले, राम राम, मंदिर तो लॉक था, अंदर कौन आया, किसने भोग लगाया? पूरे नगर में डिंडोरा पीटा, किसने भोग लगाया आज? पुजारी जी निकल कर देखते हैं तो कर्माबाई बर्तन धुल रही थी। कर्माबाई अपने खाने के बाद बर्तन धुल रही थी। पुजारियों ने पूछा, तूने भगवान को भोग लगाया? हाँ। पुजारियों ने कहा, तू अंदर कैसे गई, मंदिर तो लॉक था। कर्माबाई ने कहा, मैं नहीं जाती अंदर, वो अंदर वाला तुम्हारा बाहर आता। पुजारी को लगा मजाक कर रही है। अच्छा, ज्ञानी को ना प्रेम समझ नहीं आता, याद रखिएगा, ज्ञानी ज्ञान से तो भरा होता है पर वो भाव से और प्रेम से शून्य होता है, इसलिए ज्ञानी अपने ज्ञान के ढंग से बातें करते हैं और भक्त अपने भक्त के ढंग से बातें करते हैं। जबकि भगवान ज्ञान को महत्व नहीं देते, भगवान प्रेम को महत्व देते हैं। पुजारी तो आए और पुजारियों ने कहा कि ठीक है, तुम भगवान को भोग लगाती हो कैसे? बोले, भगवान आते हैं। पुजारियों ने कहा, मजाक कर रही हो, हमारे बाप दादे मर गए, उन्हें दर्शन नहीं दिया, हम भक्ति करते हैं, हमें दर्शन नहीं दिया, तुम्हें दर्शन दे देंगे? कर्माबाई बोली, पता नहीं आपको क्यों नहीं दर्शन दिए, हमें तो रोज गोद में बैठ के मिलते हैं। पुजारी जी बोले, कल आएंगे तेरे घर। सारे पंडे पुजारी छिप गए कर्मा के घर कुटिया के पीछे। और सवेरे कर्माबाई फिर बनाती है, फिर बुलाती है, भगवान आए, गोद में बिठाई तो खा रही है, खा रहे हैं भगवान, कर्मा खिला रही है। तभी पुजारियों ने कहा, ये खिचड़ी जा तो रही है पर कौन खा रहा है, दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। तभी पुजारियों ने कहा, कर्मा तू किसे खिचड़ी खिला रही है? कर्मा ने कहा, तुम्हें दिखता नहीं, भगवान बैठे हैं मेरी गोद में। पुजारियों ने कहा, हमें नहीं दिख रहा है। तब कर्मा ने जगन्नाथ जी से कहा, क्यों आप इन्हें नजर नहीं आ रहे हैं क्या? भगवान ने कहा, कर्मा ये मेरे पुजारी जरूर हैं पर इनका प्रेम तेरे जैसा नहीं है,
और जिसके भीतर तेरे जैसा प्रेम ना हो उन्हें मैं कभी दिखाई नहीं पड़ता हूँ। मैं तो उन्हें दिखता हूँ जिनके भीतर तुम्हारे जैसी श्रद्धा, तुम्हारे जैसा विश्वास और तुम्हारे जैसा प्रेम हो। कर्मा बाई हाथ जोड़कर कहने लगी, प्रभु यदि आपने इन्हें दर्शन नहीं दिया ये सारे पंडे मुझे झूठा साबित कर देंगे कि तुम तो झूठ बोल रही थी, कहाँ दिखाई पड़े, इसलिए ये मुझे झूठा ना साबित करें इसलिए इन्हें दर्शन दे दो। जब जिद करी कर्मा माने तो भगवान ने प्रकट होकर सारे पुजारियों को दर्शन दे दिया। चलो इसके कारण आज तुम्हें ज्ञानियों को भी दर्शन हो गया। तब से लेकर आज तक, आज मतलब आज 2020, तब से लेकर आज तक रोज सुबह सबसे पहले कर्माबाई की खिचड़ी का ही जगन्नाथ जी को भोग लगता है। हाँ, जगन्नाथ जी को पहला भोग किसका लगता है? कर्मा की खिचड़ी का। तो जगन्नाथ भगवान का तो जाटों से कई सदियों पुराना संबंध है, कर्माबाई से संबंध है। आज भी जाट की छोरी की पहली खिचड़ी भगवान खाते हैं, आज भी खाते हैं, आज भी पहला भोग आपका ही लगता है। तो भगवान ये नहीं देखते कि तुम्हारी जात क्या है, भगवान ये नहीं देखते कि तुम्हारा कुल कितना ऊंचा और कितना नीचा है, भगवान ये नहीं देखते कि तुम कितने सुंदर, कितने गोरे और कितने काले हो, भगवान ये नहीं देखते कि तुमसे हिंदी आती है कि संस्कृत आती है कि इंग्लिश आती है, भगवान केवल ये देखते हैं कि मेरा भक्त मुझसे प्रेम कितना करता है। बस प्रेम ही, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जान ले, कोई फॉर्मेलिटी नहीं चाहिए। भगवान प्रेम के भूखे हैं, प्रेम ही एक सार है, प्रेम है तो सब कुछ है, प्रेम नहीं तो मेरी सारी पूजा बेकार है। यदि प्रेम नहीं है तो पत्नी ने पति को 56 भोग खिला दिए, पत्नी ने पति के सारे कपड़े साफ करके बढ़िया प्रेस करके दे दिए, पत्नी ने पति को सब कुछ दे दिया, परंतु पत्नी ने पति से प्रेम नहीं किया। हाँ, पति ने पत्नी को सारी सैलरी दे दी, पति ने पत्नी को सब कुछ दे दिया, परंतु पति पत्नी से प्रेम नहीं करता, तो बताओ प्रेम के बिना सब कुछ देना बेकार है या नहीं? पति पूरी प्रॉपर्टी पत्नी को दे दे, कहे सब तो दूंगा पर प्रेम नहीं करूंगा। हाँ, सब दूंगा पर प्रेम नहीं करूंगा, तो आपको पसंद है मेरी माँ? आपका पति आपको प्रेम ना करे, बाकी सारी धन दौलत आपको दे दे, चलेगा? हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। नहीं, हाँ, एक सच्ची पत्नी को, एक सच्ची पतिव्रता नारी को पति से धन की नहीं प्रेम की कामना होती है, उसी प्रकार भगवान को भक्त से धन की नहीं भक्त के प्रेम की कामना होती है। मेरा भक्त केवल प्रेम करे मुझसे, राम ही केवल प्रेम प्यारा।